तुम्हें बड़ी चिंताएं हैं, हैं बहुत चिंताएं, जिससे आप गृहस्थ में हैं, बड़ी धन की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाना है, उनके ब्याह बर करने हैं, उनके वास की व्यवस्था, उनके जैसे अपने पूर्वज अपने लिए संपत्ति छोड़ गए, कुछ उनके लिए संपत्ति भी छोड़ेंगे, अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो वो गृहस्थ जलता रहता है। भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, ये तो कहीं है ही नहीं दिमाग में, बस दिमाग में इतनी बात रहती है। ये जो हमारा परिवार है, हमारा जो कर्तव्य है, इसका वो महान कर्तव्य से वंचित हो जाता है। तो कह रहे हैं जो लोक धर्म की बहुत चिंताओं में फंसा हुआ है, अब अचानक उसे सत्संग मिला और ये पता चला कि जीवन का परम कर्तव्य तो भगवत प्राप्ति है, भजन है, अब हमने चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, अब क्या होगा। श्रीपाद कह रहे अब तुम चिंता ना करो, पर अब इसमें क्योंकि चिंतन तुम्हारा संसार को हुआ है, तुम पहले से सावधान नहीं रहे, तो मन तुम्हारा बहुत मलिन हो गया है, परिवार भोग जो पुनः पुनः भोगे, वो तृष्णा वासना कई तरह के संबंधों की भावनाएं, इतना सब कूड़ा करकट जमा हो गया, अब आप एकाग्रता पूर्वक भजन नहीं कर सकते। तो एक काम करो, श्री वृंदावने देह मिमम न्यस्य सुखी भाव, तुम हट करके अपना अंतिम बनाने के लिए वृंदावन में इस शरीर को डाल दो, नश्य माने त्याग दो, छोड़ दिया, सहारे से वृंदावन के भरोसे छोड़ दो। देखो एक बात आपको समझनी होगी अंदर से, उसमें क्यों में मत लगाना, भगवान का भरोसा अगर हृदय में है तो सुखी भाव ये शब्द याद कर लो, सुखी भाव। प्रभु का भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी व्यवस्था आप कर लो अपनी, आप अशांत रहोगे, चिंतित रहोगे। भरोसा बहुत बड़ा महामहिम शब्द है और वो प्रभु के लिए केवल। हम भरोसा भोगों का, धन का, पद प्रतिष्ठा का, मित्रों का, व्यवस्था का, देख लो अंदर से देख लो, अगर भरोसा प्रभु का है, देखो वो आप जानो आपका हृदय है, आप जैसे प्रभु के प्रति भाव करेंगे वैसे ही आपका दर्शन और व्यवस्था होगी, ध्यान रखना। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथैव, केवल प्रभु कदम कदम पे देखा, कदम कदम पे। गुरु आश्रम से चले सन्यास में सबसे ज्यादा ये कंचन कामनी कीर्ति आदि की त्याग की प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है, अर्थ स्पर्श नहीं करना, रखना नहीं। तो निकल अवार्थ तो था नहीं, यात्रा वृंदावन की करनी चले, जब उसमें हाईवे पे आए, पीपल का वृक्ष था, बैठ गए, किससे कहे कि हमको, अब कानपुर आकर वहां रेलवे स्टेशन पे बैठ के फिर जाना, बिल्कुल अक्षर शासक। सामने मिठाई की दुकान थी, वहां एक दोना मिठाई लेके, स्वामी जी मिठाई ले लो, उन्होंने मिठाई की तो आवश्यकता नहीं, आप बैठे हो काफी देर से, यहां कैसे बैठे हो, तो हमारे मन में धाम दर्शन की इच्छा थी तो, पर हमारे पास पैसे नहीं थे, यहाँ अरे आप चिंता, थोड़ी देर में ऐसे गाड़ी रुको बैठा ला, कहाँ जाने का, घंटा घर से रेलवे लाइन से रेल जाती बंदा, वहाँ पहुँचा, वहीं रुका, पैदल चले गए वहाँ, अब वहाँ बैठे हमें पता ही नहीं कि किस गाड़ी में कहाँ गाड़ी कैसे, बिल्कुल अक्षर सा सत्य, ऐसे बैठे जो कुर्सियां होती वैसे बैठे, एक आदमी आया, प्रणाम स्वामी, कहाँ जाना है स्वामी, मथुरा जाना है, अच्छा हम ड्राइवर हैं उसी मथुरा वाली गाड़ी के, गया पहले इतने अंगूर और केला लाया, बोले आप पाइए, और ये हमारा समय हो रहा है, जाके एक अच्छे उसमें बैठा ला हमको, बोले हम आगे
किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको यहाँ नहीं होगी। कोई भी आपसे अधिकारी जन अगर आए और पूछें तो हम ड्राइवर हैं, आप हमें बता देना, अगर गाड़ी रुकती है आपको कोई उतारता है तो हम ये चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कौन है, हमारा परिचय भरोसो दृढ़ इन, कदम कदम पे उसकी व्यवस्था, कदम कदम पे उसका प्यार पूरे जीवन में देखने को मिला। हाँ, अपने प्रेम रस को पवाने के लिए वो थोड़ा कठोरता भी, जिससे तुम्हारे हृदय में मान अपमान दुख सुख समान हो जाए, इसलिए प्यारे ऐसी ने बहुत प्यार अपने जनों को करते हैं। ये कोई न सोचे कि जीवन भर हम संसार में रहें, अब हम कैसे वृंदावन में रहें। बड़ा करुणा में स्वभाव है, बड़ा करुणा। लाडली जू का विधान देखते हैं, एक उपासक आया कि अब हमें कैंसर है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने में हमारा शरीर पूरा, और यहां से सड़न मवाद निकल रहा, दुर्गंध, तो आप इसकी दवा क्यों नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसा, वृंदावन वास की भी व्यवस्था नहीं, पर अब मैं जब मरना ही तो हम चाहे परिक्रमा में पड़े रहे, मरने के लिए आए, ऐसी व्यवस्था लाडली जी ने अचानक करना तो उनको है ना, ऐसी व्यवस्था सुंदर कि जीवन में अरबों रुपए कमाए होते तो भी व्यवस्था नहीं होती। भरोसा उसको दृढ़ लाडली का, किसी और का नहीं, देखा गया। अगर आप भरोसा प्रभु का किए हो तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भरोसा, वो कभी भरोसा, पर ध्यान रखना ये अंदर की बात है, बाहर से आप भरोसे की बात करोगे और अंदर से अन्य आश्रय लोगे तो मेरे प्रभु चित्त की बात देखते हैं, वाणी की बात नहीं देखते। बाहर से आप भले थोड़ा अहंकार की वाणी निकल रही और चित्त में दैन्यता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाणी में बड़ी दैन्यता और चित्त में अहंकार है तो फर्क पड़ जाएगा, देख लेना। राहत ना प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सौ बार हिए की, प्रभु के चित्त में अपने उपासक की बाहर की चूक से फर्क नहीं पड़ता, वो हृदय की समर्पण की वृत्ति को देखते हैं। यदि तुमने जीवन भर भजन नहीं कर पाए, सत्संग किसी तरह कान में पड़ा हुए बात आई कि अब तो चूक गया, पूरा जीवन मेरा विषय प्रपंच संसार में गया, अब कैसे भगवत प्राप्ति होगी, तो यदि व्यवस्था है तो धामवास की तत्काल व्यवस्था करो, छोड़ो और आओ, और यदि व्यवस्था नहीं है तो शरीर छोड़ना ही है ना, ऐसे कर लो बस। महाप्रस्थान जिसे कहते हैं, महाप्रस्थान मरने जा रहा हूं, बस अमर हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, वो हमारे परिचय के नहीं, भरोसा मेरी लाडली जुगल जोरी सरकार आपके भरोसे आ रहे हैं। तो बोले श्री वृंदावन ने देह में मम नश्य डाल दिया अपने शरीर को वृंदावन में, तो श्रीपाद आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी भव, अब तुम परम सुखी हो जाओगे क्योंकि बहुत करुणामय हमारे लाडली लाल हैं। इसलिए अलम कश्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत। अब बंद करो ये वार्ता, जिसे महाप्रभु कहते अलम विषय वार्ता, वो मेरा मैंने ये किया वो किया, किसी का भी भरोसा मत रखो। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी संग मत करो, यही बार बार वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं कि असंग रहो, सैकड़ों साथ रहते हुए भी असंग रहो। जब अपने कुटिया में गए तो बंद दरवाजा, निरीक्षण परीक्षण अपने हृदय का एकांत में करते हुए, भजन करते हुए जो भी समय आपको मिला है एकांत का, उसमें कोई वार्ता नहीं, कोई संग नहीं, असंग रहो। वार्ता भगवत वार्ता सुन रहे हो, असंग, भरोसा प्रभु का, प्रभु गुरुदेव महाभागवत जन ये एक ही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, भरोसा बस एक का अन्य का नहीं, सांसारिक संबंधों का सांसारिक बलों का नहीं। देखो भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, पर बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएगी, कठिनता यही संग त्याग आशा त्याग भरोसा त्याग, यही बहुत कठिन होता है। एक भरोसो एक बल एक आस एक विश्वास, इसमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिए,
अलम कश्यापि संगत्या, बंद करो किसी का भी भरोसा, आश्रय मत लो। तवालम अलम शास्त्र कर्म भी, अब तुम्हारे शास्त्र से सिद्धांत से कर्म करने के लिए समय भी नहीं रह गया है और सामर्थ्य भी नहीं रह गई है। तो बृंदारण्य तृणम मन्यो, अपने को सबसे नीच समझकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, समझ लो। देखो हम क्यों आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी के दोष दर्शन मत करो, उसके दो भाव है। जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके रजिस्टर की जांच होगी, मेरी बात समझो। बहुत दुलार करके हम आपको समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, दोष दर्शन किसी के मत करो। आप दोष दर्शन करोगे तो सरकारी विभाग आपकी जांच शुरू कर देगा और जांच में आप खरे नहीं हो, ये जान लो। हमारा पीछे का रजिस्टर अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत कर्म शुभ अशुभ जमा है। जब हम अपने को सबसे नीच मानते हैं तो हमारी जांच खत्म हो जाती है। खास बात समझो, जो इस सृष्टि में सबसे अपने को, तभी महाप्रभु चैतन्य देव कि भजन कैसे करो तो बोले त्रणादपि सुनीचे न तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी यह सदाहरी। सदाहरी का कीर्तन करने वालों को ऐसा चाहिए कि अपने को तृण से भी नीच समझे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझे, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे, सदैव भगवान की कृपा में डूबता रहेगा। खास बात पहली है, जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके अंदर दोष वृत्ति बढ़ेगी और जिनकी हम शरण में हैं प्रभु की, वो तुम्हारे फिर दोष नहीं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, ये तभी हो सकता है जब हम अपने को कहे कि ऐसो नॉन हरामी, जिन मुन को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नॉन हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मो समुझिए सयाने। और हम क्या कहते हैं, हम अपने को बड़े गुणवान बड़े। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो, अगर आपने ऐसा मान लिया कि सबसे नीच तो मैं ही हूं, तो क्या कृपा होगी, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं होगा। दोष दर्शन से सब तरह से हानि है, कहीं भी लाभ नहीं है। इष्ट गुरु की विमुखता हो जाएगी, कर्म संस्कार हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे, हमारी जो भावनगा की धारा प्रिया प्रीतम की तरफ मुड़ी थी वो जगत की तरफ मुड़ जाएगी। इसीलिए नारायण स्वामी कहते हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को निर्मल कर। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत, जिसने अपने को वृंदावन में सबसे नीच समझ लिया। देखो हम आप तो शरणागत जन हैं, जिनकी हम शरण में हैं वो हमारे आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छः, गजब है, परम अधमः प्राण्यहो गर्ह कर्मः। अब आप विचार करो, ये शब्द महाप्रभु बोल रहे हैं जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है। कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला, और कहां राधा नाम। बोले राधा नाम तो मेरी जिभ्या में स्फुरित हो रहा है, हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की महिमा है। हम तो तुच्छ अधम अपराधी जीव भी है। आचार्य बोल रहे हैं, अपने लोग क्या उन्हीं की कृपा कोर से चल पा रहे हैं, जैसे भी लड़खड़ा के हम अपने को महात्मा माने, साधु माने, भजनानंदी माने, दूसरों का कल्याण करने वाला माने, और जो अवतरित हुए महान प्रेम रस देने के लिए वो कह रहे क्वाहम तुच्छः परम अधमः क्वाहम मूढ़मति। आप विचार करो,
जिनकी मति का आश्रय लेकर के लालजू महाराज लाडली जू को मना लेते हैं वो हित सजनी जू, वो कह रहे क्वाहम मूढ़ मति को नाम परमान। बिल्कुल भाई सावधान। अलम कश्यापि संगत्या, तो अलम शास्त्र कर्म भी, अब समय नहीं रह गया कि तुम शास्त्र स्वाध्याय करो, निर्णय करो कौन सा मार्ग कौन सा सिद्धांत, ऐसी पवित्र बुद्धि नहीं है, आहार नहीं है, ऐसा आपका विचार कि बहुत जल्दी आप निर्णय करके परमार्थ में स्थित। बोले तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, वृंदावन धाम में आ जाओ और अपने को तृण से नीच समझो तो धन्यो, अगर तृणम मन्यो तो धन्यो शब्द आगे लिखा है, अपने को यदि तुमने नीच मान लिया तो न किंचित आचरेत, अब तुम्हारे किसी आचरण पर दृष्टि नहीं होगी। ये खास बात समझो, पैदल वाले की तो शायद हमें लगता है चुंगी नहीं लगती है, बड़ी गाड़ी है उनकी चुंगी लगती है, तो फिर जांच बड़ी की ही होगी, दीन बन करके चले जाओगे तो फिर इस मार्ग में निकल जाओगे, बड़े बनोगे तो इतनी सूक्ष्म जांच है कि ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। हो गए लालजू के सामने, देखो गोविंद के सामने। भाई प्रार्थना है, हम दासत्व को प्राप्त करने के लिए निकले हैं और हमारे बंधन का कारण अहंकार है, उस अहंकार को त्यागना ही हमारे जीवन। पूज्यपाद शिवरिया बाबा जी महाराज कह रहे, तुम्हें साधना में सफलता मिल रही है इसका लक्षण है कि तुम्हारा देहाभिमान घटता जा रहा है, दैन्य होते जा रहे हो। तो संपूर्ण जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य वृंदावन की एक लता के एक पत्ते में है। इसीलिए परम ज्ञानी महात्मा उद्धव जी ने आशा की कि मुझे वृंदावन की कोई घास बना दी जाए, तृण लता औषधि गुल्म कुछ भी, ऐसी महिमा जिस वृंदावन धाम की है। तो कह रहे संत विधर्मा सतसह सद्धर्मायांतु सर्वेस्तम, यदि वृंदावनम अंगी कुरुते मम का तदा चिंता। हे भाई तुमने सैकड़ों अधर्म किए हैं या सैकड़ों धर्म किए हैं, या आज भी अधर्मी हो या धर्मात्मा हो, वृंदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पारसमणि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पूजा का लोहा है या गला काटने वाला लोहा है, बस उसके स्पर्श की जरूरत है, वो दोनों को समान अपना प्रभाव दिखाएगा, दोनों को सोना बना देगा। पारसमणि उसमें गुण प्रधानता या अवगुण नीचता देखकर अपने प्रभाव में कमी नहीं होने देती, वो समान दोनों को स्वर्ण बनाती। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन, चाहे संत विधर्मा शतशाह सैकड़ों अपराध पाप अधर्म करने वाला हो, या सद्धर्मा यांतु सर्वेस्तम सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाला हो, वृंदावन समान रूप से दोनों पर कृपा करता है। जैसे पारसमणि समान रूप से दोनों को सोना बना देती, तो यदि वृंदावनम अंगी कुरुते, यदि वृंदावनम अंगी, मुझे अंगीकार कर लिया वृंदावन ने, मुझे स्वीकार कर लिया, कैसे समझेंगे आप कि आपको वृंदावन ने स्वीकार किया? आप बाहर रहते हैं पर आपका चिंतन वृंदावन के प्रति ही रहता है, कभी आपको समय मिला तो भागे वृंदावन। जैसे विदेश में रहता हुआ आदमी जब छुट्टी पाया तो अपने घर की याद, घर के जनों की याद, और भागता है अपने घर की तरफ उत्साहित होकर, ऐसे प्रिया प्रीतम रसिक जन वृंदावन की शोभा, वृंदावन की यमुना जी, वृंदावन बार बार उनका चिंतन, और जहां समय मिला जितने घंटों का जितने दिनों का भाग के वृंदावन आ गए। भाव ये है कि हमारा घर तो जो नित्य घर है, सच्चिदानंद घर है, वो तो वृंदावन है। हम बाहर प्रारब्ध वशात
लौकिक धर्मों का पालन करने के लिए, अर्थ आदि के लिए, व्यवहार की सत्ता है नहीं पर कर्तव्य पालन के लिए हम हैं, हमारा जीवन तो वृंदावन के लिए है, ऐसा जिसका निश्चय हो गया। दूसरा, या सर्वस्व त्याग कर अखिल लोकों की, जो हमने बातें सुनी है सुख दुख की, सब लोक लोकांतर के भोग ऐश्वर्य वैभव सबसे मन हटाकर एकमात्र वृंदावन में आजीवन वास करने का। बोले फिर मुझे अब कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे, यदि वृंदावन मंगी कुरते मम कदा तदा चिंता, फिर अब क्या चिंता रह गई जब वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट करने का बिना पैसा लगाए बिना कोई प्रयास किए तुम्हें उपाय बता रहे हैं, दिव्य उपाय, निश्चित तुम्हारे सारे अपराध पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के अघ तमही काटी करें उजियार, करोड़ जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देगा। क्या आपका वृंदावन वास नहीं हो रहा है? ठीक है, आप बाहर समय नहीं है कि आप महीने में कई बार वृंदावन, कोई बात नहीं जब आपको समय मिले, पर रोज आप वृंदावन आइए। कैसे? एक बार वृंदावन को अपने कैमरे में भरिए, बिल्कुल चिंतन करके कि मुझे ये यहां से ले जाना है भर के, बाहर ही नहीं अंदर से। अब प्रणाम किया राधा केल कुंज के सामने से और बस एकाग्र एकदम भरता चला जाएगा, आप देख लेना एकाग्र परिक्रमा मार्ग का हर मोड़ हर दर्शन करते हुए, यमुना जी केशी घाट उधर पूरा चामुंडा होते हुए ऐसे। हाँ चलो सत्संग सुनते हैं, अंदर आए थोड़ी देर बैठे, रूप देखा समागम संतों का, भाव किया, अब बिहारी जी चलते हैं, अब राधा वल्लभ, अब निधिवन सेवा कुन, और इसके बाद फिर प्रणाम करके राधा राधा अपने कार्य में लग गए। हो गई रोज वृंदावन का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन का शांत, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये धाम है, कोटि जन्म के अघ तमहि काट करे उजियार। क्या वृंदावन को चिंतवन, प्रगट वृंदावन, कभी मौज आई समय है चले। गिरिराज जी पहुंचे, परिक्रमा शुरू की, गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं, पूरे जो कुंड देख रहे हैं उनको अपने नेत्रों में भर लिए, राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, अप्सरा कुंड, ये ऐसे दर्शन के पूरा भर गया। 10 मिनट में गिरिराज जी की परिक्रमा, मन से चलना है ना, बड़ा वेग से हो गया। आप ये ना समझे कि ये तो ऐसे ही नहीं, ये चिंतवन करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देगा। कहीं आपको कोई दान पुण्य की बात नहीं है, कहीं कुछ लेना देना किसी के सहयोग की बात नहीं, बैठ गए चिंतन में, ये होगा बैठ के एकदम एकाग्रता से, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही, मानसिक धाम का आराधन हो रहा है। 10 मिनट में हो जाएगा, और आराम से करो तो तुम्हारे पास समय की बात है, कम समय में 10 मिनट में पूरा आपका वो कार्य हो जाएगा। जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, विश्वास कीजिए।